आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन नगेट्स। ये बिल्कुल उसी तरह के नगेट्स बनेंगे जैसे आपको रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं या जैसे आपको फ्रोज़न मिल जाते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मज़ीद अगर आप कोई रेसिपी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और मैं वो रेसिपी आपको ज़रूर बना के बताऊँगी। सबसे पहले चिकन नगेट्स के लिए हमने यहाँ पर ब्रेड ली है, दो ब्रेड के पीसेस हमने लिए हैं जिनको हम थोड़े से दूध में, तकरीबन 2 टेबलस्पून दूध में जो है वो सोक कर लेंगे। इसके बाद जो है हमने 200 ग्राम चिकन ली है, इसको हम चॉपर में मिंस करेंगे। आप चिकन का कीमा नहीं लीजिएगा, चिकन की बोटियाँ लीजिएगा ताकि फिर आप इसको चॉपर में अच्छी तरह से जब आप चॉप करेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल नगेट्स जैसा बनेगा। जब ये अच्छी तरह से चॉप हो जाए उसके बाद हम इसी में डालेंगे नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो या कोई भी ड्राई हर्ब आप ले सकते हैं, पार्सली ले लें या बेजल ले लें, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 2 ब्रेड स्लाइसेस आपने सोक की हुई थी वो भी इसमें शामिल कर दें। फिर इसको अच्छी तरह से दोबारा एक दफा चॉपर में घुमा लें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आप इस मिक्सचर को देख सकते हैं, ये इस टाइप का होगा। इसको आपने एक बोल में निकाल देना है। तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक आपने इसको फ्रिज में रखना है। तकरीबन आधे घंटे बाद आपने जो है वो चिकन का मिक्सचर फ्रिज से निकाल लेना है और फिर इसमें जो है हम एक एग शामिल करेंगे। अच्छी तरह से फेंट लें। अगर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें और देखते जाएं कि आपका मिक्सचर जो है वो ज़्यादा गीला ना हो जाए, वरना जो है इसको शेप नहीं बनेगा सही। अब हम अपने नगेट्स की कोटिंग तैयार करने जा रहे हैं जिसके लिए हमने लिया है 1 प्लेट या 1 कप जितना मैदा। उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है वाइट पेपर हम इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको साइड पे रख दे।
फिर हम लेंगे ब्रेड क्रम्स, जिसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून वाइट पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, और 1 टीस्पून ओरिगैनो। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब चलते हैं हमारे नगेट्स की तरफ। ये हमारा चिकन का मिक्सचर जो है वो उसमें हमने एग शामिल किया था, हाफ एग हमने ऐड किया है। आप अपने हाथों पे ऑयल लगाएं और इसको जो है वो शेप करें। अगर आप चाहें तो इस तरह के बिस्किट कटर्स या कुकी कटर्स की मदद से भी शेप कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। राउंड शेप में आपने इसको प्रेस किया कुकी कटर में, इसको तेज लगे हुए हाथों से बहुत आराम से उठाएंगे हम। फिर हम इसको डिप करेंगे मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में। फिर हम इसको डिप करेंगे एग में। अच्छी तरह से कोट कर लीजिएगा इसको, और फिर फाइनली ब्रेड क्रम्स से इसकी कोटिंग कर लें। ये हमारा एक नगेट तैयार है। इसी तरह हम सारे नगेट्स की प्रिपरेशन करेंगे। अब हम ट्राई करेंगे ये स्टार वाला कुकी कटर। इसको हल्का सा ऑयल लगा दें किनारियों पे, थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों पे लगाएं। और इसको प्रेस कर दें इस शेप में। अभी मैं आपको कुकी कटर के साथ इसका शेप देना बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको सादा शेप भी बताऊंगी। इसको हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये निकल आए। ये स्टार शेप तैयार है। इसको आपने डिप किया मैदे में। फिर एग में। अगर आप शेप दे रहे हैं तो बहुत ही डेलिकेट हाथों से इसको रखिएगा। फाइनली ब्रेड क्रम्स में। आप मज़ीद जो भी कुकी कटर यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जिस भी शेप का। मैं आपको सादा भी बता दूंगी कि सादा शेप कैसे देते हैं। आपने लगाना है हाथों पे ऑयल, थोड़ा सा मिक्सचर उठाइएगा।
इसको फ्लैट करें और फिर एक एंड से जो है इसको थोड़ा सा ब्रॉड करते जाएं। इसको हम ड्रमस्टिक की शेप में बनाएंगे। अब हम इसको मैदे में डिप करेंगे। फिर एग में और फिर ब्रेड क्रम्स में। इसी तरह जो है वो आपने सारे नगेट्स तैयार करने हैं। चाहे तो इनको फ्रीज कर सकते हैं 1 महीने तक, और जब चाहे रमज़ान में या लंच में आप अपने बच्चों को ज़रूर ये दे सकते हैं। इसी तरह जो है वो हमने सारे नगेट्स फॉर्म करने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमने सारे नगेट्स जो है वो तैयार कर लिए हैं। हमारा स्टार शेप, राउंड शेप, ड्रम स्टिक और जो नॉर्मल हमने शेप दिया था, अब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे।